हिंदू धर्म संस्कृति और नाथ संप्रदाय की परंपरा के सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी चढ़ाने का क्रम जारी है। मकर संक्रांति और बुढ़वा मंगल के सकुशल संपन्न होने के बाद भी भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर परिसर में मेला पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिससे मंदिर में दर्शन करने वाले आने वाले दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ ने बताया। सोमवती अमावस्या है, बसंत पंचमी भी है और पुनवा मांग के पुनवासी भी है। अभी तीन नहान है, अभी तीन जगह टाइम है। अभी चलेगा, अभी तो अभी मांग के पुनवासी तक चलेगा। अभी तो सोमवती अमावस्या नहान है, बसंत पंचमी है और मांग के पुनवासी भी, अभी चलेगा। अभी तो काफ़ी आता है। हाँ, वो तो लगातार इस साल से दो बार लगातार हो गया, 14-15 अब तो खिचड़ी चढ़ाई ही है, मेला तो लगता ही है, बढ़ते जाए दिनों दिन। तो हर एक साल तो मेला बढ़ ही रहा है, इस साल कुंभ भी लग गया इसलिए और बढ़ गया। अभी नहान भी बाकी है, भाई शिवरात्रि है, ऐसे चल ही रहा है। अभी तो ये तो परंपरा चली, पहले चले आ त्रेता युग चलता है, त्रेता युग से। ये तो गोरखनाथ जी वहाँ ज्वाला जी से आए थे भिक्षा मांगने के लिए, वहाँ तामसी भोजन बनता है, तो गोरखनाथ जी जंगल लेके तपस्या किया यहाँ, तो खप्पर लेके आया था, वो खप्पर भर भी नहीं पाया। अब यहाँ से गोरख तपस्या करते करते उसी दिन खप्पर लाया, तो खप्पर खप चढ़ाया, उसी दिन से खिचड़ी त्रेता युग से खिचड़ी चल ही रहा है। अभी तक परंपरा चले आ रहे हैं, यूपी के पूरा सभी जगह आते हैं ऐसे। तो हाँ, राजा को सब पहले चढ़ाते हैं, राजा पहले चढ़ता है खिचड़ी दिन, उसमें पहले राजा चढ़ता है, उसके बाद महाराज जी चढ़ते हैं, उसके बाद और चढ़ाते हैं, इस चढ़ाते सब शुरू हो जाता है। राजा पहले चढ़ाते हैं, उसके नाम से चढ़ता है, राजा तो नहीं है, उसके नाम से चढ़ जाता है, उसका अलग टोकी रखा है चढ़ाने के लिए। हाँ चल चलता है, परंपरा चले आए, राजा परंपरा से चले आ रहे हैं, चलेगा जब तक ये गोरखनाथ जब चल ही रहा है।